हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट 2019 के बारे में। इसके बारे में आप सबके जितने सारे डाउट है, जितने सारे क्वेश्चन है, उसको सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपका वेटिंग लिस्ट जो है, कब तक आपका वेटिंग लिस्ट आएगा और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा, और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कट ऑफ से 0.25 से लेकर के 1 मार्क्स तक कम है, तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। तो गुड न्यूज है कैंडिडेट के लिए जो भी आप में से वेटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आगे भी डिस्कस करेंगे कि जितने सारे स्टूडेंट हैं आप लोग में से किनका किनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में 100% पक्का है, यानी ये डिटेल एक फुल डिस्कशन वीडियो रहेगा। आपको जितने सारे डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो इसमें एक एक करके जो भी आपके पॉइंट रहते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा इतना कम है कट ऑफ से, मैं इसे श्रेष्ठ बिलोंग करता हूँ, मेरा सिलेक्शन का क्या चांसेस है, यानी आपके जितने सारे डाउट है उसको एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो एक आरटीआई मेरे एक स्टूडेंट ने फाइल किया था, उसका रिप्लाई आया है, महाराष्ट्र का है। तो इसमें जो स्टूडेंट ने फाइल किया था वो एसटी कैंडिडेट का स्टूडेंट था। उसमें उसको बताया गया रिप्लाई वन में कि 8 जो स्टूडेंट है, 8 कैंडिडेट थे, वो क्या किए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किए थे, यानी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें अपेयर नहीं हुए थे। उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। इसमें जो जनरल के 39 स्टूडेंट नहीं आए थे, ओबीसी के 16 स्टूडेंट, ओबीसी एंड डीई के 1 स्टूडेंट, ओबीसी जो एचआई होता है उसको 1 स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस के 5 स्टूडेंट, एससी के 21 स्टूडेंट, एसटी के 08 स्टूडेंट, जिसने के लिए अप्लाई किया था स्टूडेंट। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे महाराष्ट्र का है। जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ अगर आपने आरटीआई अप्लाई किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो कोई स्टूडेंट किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, या नहीं भी किया होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको महाराष्ट्र का है, यानी इतने स्टूडेंट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि इतने सारे जो वैकेंसी है वो क्रिएट होने वाली है, और आप सभी के लिए फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा। अब तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, जैसे एलआईसी में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए, एफसीआई ज्वाइन कर लिए, और कुछ और भी एग्जाम हुआ था जिसमें वो ज्वाइन कर लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किए। तो आप सबके लिए काफी अच्छा न्यूज है अगर आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी आप जिनका भी आप में से 0.25 से लेकर के और 1 मार्क्स तक जो कटअप से कम है, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस पूरा है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको बिल्कुल ये नहीं रहना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बट आप अपना जो स्टडी है, जो पीओ लेवल की स्टडी है, उसको कंटिन्यू कीजिए। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अप टू जिनके यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, 0.25 से लेकर के 1.5 तक का भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, लेकिन 0.25 से लेकर के 1 मार्क्स वाले का 100% फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगा, इसको सब डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, देखिए फ्रेंड, अभी जो स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट थे वो क्या किए, अभी डायरेक्ट उनको ब्रांच अलॉट हो गया है, यानी उनका फरवरी में ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। यानी एसबीआई को पता चल गया है कि कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ ज्वाइन किए जो जूनियर एसोसिएट के थे, और कितने नहीं किए। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है आपका, जैसे ये स्टूडेंट ट्रेनिंग में जाएंगे, यानी 1 मंथ का ट्रेनिंग हुआ, इनका ट्रेनिंग जो होगा फरवरी के लास्ट में खत्म होगा, मार्च के फर्स्ट में इनको फ्लैश रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो आपका जो वेटिंग लिस्ट है आपका जो फरवरी में कभी भी आ सकता है, फरवरी में कभी भी आपका वेटिंग लिस्ट आ सकता है, मिड में आ जाए या लास्ट में आ जाए, आपका फरवरी में आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। तो आप सबके लिए काफी अच्छा न्यूज है, जो भी आप में से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, आपका फरवरी में कभी भी आपका वेटिंग लिस्ट आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले के लिए हो गया। अब सेकेंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट के लिए बात करते हैं। तो देखिए, जब सेकेंड अगर फरवरी में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंगली 3 मंथ के बाद आपका जो है सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा, यानी आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट क्या आ सकता है, मई और जून में आ सकता है। तो देखिए, यहाँ जब आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा तब तक आपका आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया होगा, उसके बाद आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ गया रहेगा, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का, और भी कुछ एग्जाम है जिनके रिजल्ट आ गए रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहेंगे कि यहाँ पर प्रेफर करेंगे ज्वाइन करना। आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो छोड़ करके जो ज्वाइन कर लिए होंगे जो स्टूडेंट, और छोड़ करके वो ये एग्जाम सॉरी ये इसमें ज्वाइन कर लेंगे, आरआरबी पीओ में कर लेंगे, आईबीपीएस पीओ में कर लेंगे, आरबीआई असिस्टेंट में कर लेंगे, या आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, वो भी छोड़ करके यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, सेकेंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा चांसेस है, यानी इस बार सेकेंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है अप टू
4 मार्क्स लेस देन कम, यानी जितने सारे कटअप थे कटअप से 4 मार्क्स कम वाले का भी सिलेक्शन इस बार हो सकता है, क्योंकि पिछले बार 2.5 तक का भी सिलेक्शन हुआ था और इस बार ज़्यादा चांसेस है। और फिर से दूसरी न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन आ गई है, तो ये भी एक फैक्टर है। यानी आपका 0.25 से लेकर के 4 मार्क्स तक है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो आप स्टडी नहीं करोगे, आप बिल्कुल अपने जो आगे का जो आपका एम है पीओ बनने का उसको आप डेफिनेटली करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, तभी आपको अच्छा इसमें सक्सेस मिल पाएगा। नहीं तो ये सोच के बैठे हो कि सर मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मैं क्यों करूँ, मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आगे का सोचना चाहिए, आपका इसमें हो गया तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम तो आपके सामने है ही, तो उस चीजों को आप ध्यान दो। तो ये सब चीजें जो था वो डिटेल में मैंने आपको डिस्कशन किया, इसमें और भी कोई डाउट है? अब देखिए सेकेंड तो हो गया, थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आएगा, सितंबर में आएगा। तो वो जो भी थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो सितंबर में, यानी आपका जून मई और जून में अगर आपका सेकेंड आ जाता है तो सितंबर में, जून जुलाई का सितंबर में आपका थर्ड वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल बैंकिंग करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।